चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या सिलेबस ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस का क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों फर्स्ट क्या है, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा आपके कहाँ, एग्जामिनेशन हॉल में, और 20 मार्क्स का क्या रहेगा, प्रैक्टिकल, जिसमें आपको 40 मार्क्स क्या रहेंगे ऑब्जेक्टिव, और 40 मार्क्स क्या रहेगा सब्जेक्ट। तो अब 20 मार्क्स प्रैक्टिकल हो गया, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स सब्जेक्टिव। तो 20 मार्क्स प्रैक्टिकल तो ये तो मुफ्त का माल है, तो सब लोग बटोर लीजिएगा। अब आइए 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, क्या कैसे प्रिपरेशन होगा। आपको क्वेश्चन लगभग रहेंगे 48 to 50 क्वेश्चन सेम इसमें भी, जिसमें इसमें साइंस इसमें अलग क्या रहेगा, इसमें आपको एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज रहता है उससे 30 क्वेश्चन रहेंगे। एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, और 3 क्वेश्चन रहेंगे जो रहेंगे क्या, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं एनसीईआरटी के, इसमें कोई थ्योरम नहीं रहते हैं पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं। 30 मार्क्स एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज से 30 और 10 मिडिल इम्पोर्टेंट पॉइंट, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से, यही और बाकी जो 10 बच जाएंगे वो मिसलेनियस रहेंगे, वो जनरली कहीं से पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही पूछेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट से ही पूछेंगे। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव, 40 मार्क्स सब्जेक्टिव, ये भी दो भाग में बटेंगे, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन में देखेंगे। ऐसे तो जनरली चारों जो डिपार्टमेंट है सोशल साइंस को सबसे एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, और कभी कभी किसी 3 से एक, कभी कभी मेनली ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, और कभी कभी इकोनॉमिक्स से भी पूछ लेते हैं। तो आपको इन सबसे एक एक क्वेश्चन यदि पूछेगा तो आपको सबका 2-2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया हो रहेगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन बनाने रहेंगे। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव के लिए 48 या 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाने होंगे। और हिस्ट्री से क्या रहेंगे, 2 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस से भी 2 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से भी 2 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन, इन सब से क्या रहेंगे 2-2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया रहेगा, आपको एक क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो जब यदि चारों से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछेंगे तब आपको जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो अलग पूछेगा, अलग क्या उसमें क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि 5, 4, 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऐसे ही अपने हो जाएगा। तब 2 नंबर के क्वेश्चन जो रहेंगे जो हर सब्जेक्ट से 2 या 3 पूछेंगे, हर सब्जेक्ट से 2 या 3, किसी से 2 किसी से 3, किस केस, टू से थ्री क्वेश्चन रहेंगे जब चारों से 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और जनरली 4 to 6 आपदा प्रबंधन एक चैप्टर होता है उससे क्वेश्चन करता है। तो आपसे यदि 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 4 to 6 क्वेश्चन दिया हो रहेगा, उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा, और 6 मार्क्स या 4 to 6 मार्क्स का आपदा प्रबंधन एक चैप्टर होता है उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा।